इन सब चीजों में पेशेंट को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इससे उनका इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही, बस उसके साथ उनका फिजिकल लॉस होने के भी चांसेस है। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि किन लोगों को ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है? ब्रेसेस की जरूरत सभी को पड़ती है बेसिकली। जैसे मान लीजिए किसी के टूथ के बीच में गैप्स हैं, स्पेसिंग्स हैं, या किसी को अपने दांत बाहर लगते हैं, टेढ़े मेढ़े लगते हैं, दोज आर द आइडियल कैंडिडेट्स। मतलब उनके लिए तो ब्रेसेस एकदम मस्ट है। एंड सर, राइट एज अगर मैं कहूं तो ब्रेसेस की क्या है? देखिए सबसे आइडियल एज जो होगी बच्चे को, जब वो 6 to 8 ईयर्स का रहता है तब बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास एक बार विजिट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, उस टाइम पे अगर कुछ मालोक्लूजन डेवलप हो रहा है, कोई भी अगर टीथ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या टीथ के बीच में स्पेसिंग्स नहीं है, तो अपन उस चीज को इंटरवीन कर सकते हैं। बेसिकली जब प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तब अपन इंटरवीन करके उसको करेक्ट कर सके। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मे बी लाइक 13-14 ईयर्स में एक सेकेंड विजिट होना चाहिए। एंड क्या ब्रेसेस का जो प्रोसीजर है, क्या ये बहुत पेनफुल होता है? नहीं, पेनफुल नहीं रहता है। कोई भी, जैसे कोई बच्चा करा रहा है या आप ही करा रहे हैं, तो 2 या 3 दिन तक उनको हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगेगा, दांतों में खिंचाव लगेगा, वो 2 या 3 दिन के बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। और अगर अनबेयरेबल टाइप सा हो रहा है किसी को पेन, क्योंकि पेन एक सब्जेक्टिव थिंग, हर एक की अपनी सहन शक्ति होती है, राइट, तो अगर उनको ज्यादा पेन हो रहा है तो नॉर्मल एक पैरासीटामोल भी खाएंगे, उससे दर्द ठीक हो जाता है। एंड डॉक्टर, कितने लंबे समय तक ब्रेसेस लगाना पड़ता है? ब्रेस केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या, किसी किसी का 6 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाता है, किसी का 2 साल तक चलता है, मिनिमम अयर या हाफ तो हम बोलते ही हैं, 1 से 1.5 साल तो मिनिमम लगता ही है ऑन एन एवरेज। और अगर मैं इसका असर पूछूं तो असर कितने टाइम तक रहता है? असर देखिए, ये जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है 2 फेजेस के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब जब हम टीथ को एक्चुअली मूव कर रहे हैं, दांतों के बीच की गैप्स क्लोज कर रहे हैं, जैसे ही वो गैप्स क्लोज हो गई तो अपन ब्रेसेस निकाल के रिटेनर देते हैं। रिटेनर इज बेसिकली टू रिटेन द ट्रीटमेंट, जो किया है ट्रीटमेंट हमने उसको रिटेन कर सके। वो रिटेनर मिनिमम 1 महीने को और पहनना पड़ता है। वो निकालने लगाने वाला रहता है, उसको बस खाना खाते टाइम निकालना है, अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखता ही नहीं है वो ओके, एक सवाल और तो। बहुत सारे लोगों के सर मन में है कि क्या ब्रेसेस की वजह से जो हमारे दांत होते हैं, क्या वो कमजोर हो जाते हैं? नहीं, ब्रेसेस की वजह से वीकन नहीं होते हैं टूथ, कोई दांत कमजोर नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान जब अपन ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो बोन टीथ के एक्चुअली बोन में है, तो बोन का लेवल जैसे इतना है नॉर्मल, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है ताकि टीथ इजिली मूव कर सके अपनी जगह से। बट फिर जैसे ही अपन ब्रेसेस निकालते हैं तो ये बोन का लेवल वापस से बढ़ जाता है और टीथ वापस से हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ब्रेसेस लगवाने के बाद क्या कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो नहीं खाने चाहिए हमें? हाँ जी, मतलब कड़क चीज नहीं खानी रहती है, और चिपचिपी चीज, कड़क चीज जैसे कुरकुरे चिप्स हो गया, समोसा कचौड़ी और सूखा मूंगफली बादाम, ये सब क्या आप खा सकते हैं, बस इसको भिगो के खाइए या उबाल के खाइए, सॉफ्ट करके खाना है चीजों को। क्योंकि अगर अपन हार्ड चीज, ऐसी कोई भी चीज खाएंगे जिससे अपने को चबाने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, च्यू करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो उससे क्या है, ब्रेसेस टूथ से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं बेसिकली। और ब्रेसेस टूटते हैं तो ट्रीटमेंट डिले होता है, ऑन एन एवरेज 1 ब्रैकेट टूटा तो 1 महीना डिले होता है ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आजकल में ये सब बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो डायरेक्टली पेशेंट को केटर कर रही है, जो अलाइनर कंपनी, बेसिकली आपने देखे होंगे एड्स और ये सब फ्लायर्स बहुत आते हैं। ये चीज है, ये चीज मतलब इन सब चीजों में पेशेंट को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इससे उनका इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही, बस उसके साथ उनका फिजिकल लॉस होने के भी चांसेस है। क्योंकि इन सब कंपनीज के साथ कोई ऑर्थोडोंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो बस अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई जो भी ट्रीटमेंट उनको सही लग रहा है वो इनपुट करते हैं और अलाइनर्स प्रोड्यूस करके दे देते हैं। तो एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए, विजिट करिए, वही आपको अच्छी एडवाइस दे पाएंगे कि ये आपको किस टाइप के ब्रेसेस लगवाने हैं। मेटल हो गया, सिरामिक हो गया, सेल्फ लाइगेटिंग हो गया, अलाइनस हो गया, देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ब्रेसेस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। So, ये थी मेरे साथ डॉक्टर। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो रह गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं
जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।